नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सियोम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियोम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आ रहा होगा जो कि सैमसंग FRP को लेके। तो सैमसंग FRP अभी रेट बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, 800-900 के रेट में। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मेरे पास ये सैमसंग का A20S फ़ोन है, ओके, जिसको देख सकते हो मैंने ISP पिन आउट करके रखा हुआ है, ओके। तो फ्रेंड्स, इसमें भी एक मेथड है जो कि FRP अनलॉक आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ओके। तो फिलहाल तो मैं FRP कर चुका हूँ, बट मैं फिर भी आपको मैथड समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, तो मेरा फ़ोन फुल कनेक्टेड है, बस डाटा 0, CMD, CLK, ग्राउंड, VCC क्यों आप केबल डाल दोगे चार्जिंग पे, ले लेगा। तो यहाँ पे क्या करना, तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे कि फ़ोन को हमने आइडेंटिफाई किया और फोन पूरा फुल कनेक्टेड है, हो चुका आइडेंटिफाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ ऐसा तरीका है जो FRP ऐसे नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने यूज़र पार्ट को स्क्रॉल डाउन किया और आप स्पेशल टास्क में जाके FRP क्लियर करोगे, FRP क्लियर डन दिखाएगा, बट होगा नहीं, ओके। यहाँ पे परसिस्टेंट फाइल को कर चेक लगा, इरेज आप लगा दोगे, FRP 100% निकल जाएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया भी है। और अभी मैं आपको फ़ोन कंप्लीट चेक करके दिखाता भी हूँ, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो, फ़ोन मेरा फुल कनेक्टेड है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं ISP पिन आउट डिसकनेक्ट करके मैं आपको अभी चेक करके दिखाता हूँ, ओके। तो आप अभी देखिए, मैं बोर्ड को अच्छे से मैं फिट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये वही बोर्ड है A20S, जो कि बहुत ही मेहनत करनी पड़ी फ़िलहाल इस फ़ोन में, और अभी तक YouTube पे ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो इसका प्रॉपर 11 वर्जन का FRP अनलॉक करके कोई दिखाए, ठीक है। बहुत देर तक, कम से कम इसको मैंने 3-4 बार ISP पिन आउट किया, फॉर्मेट किया, बट FRP नहीं निकला। फिर मैंने ये मेथड आजमाया, FRP कंप्लीट निकल गया, ओके। तो ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, जैसे कि फ़ोन ऑन होने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है, ऑन होने में टाइम लगेगा। जो अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना, और हो सके तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है।